नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बदमाश कहीं का। दादी अम्मा एक कहानी सुनाओ ना। अरे कहानी सुना सुना के तो मैं थक गई। महाभारत सुना दिया, रामायण सुना दिया, अब क्या बाकी बचा है? बस एक कहानी। एक कहानी? कौन सी कहानी? खरगोश कछुए की। तो एक था खरगोश और एक था कछुआ। हाँ, दोनों ने एक दिन तय किया कि वो रेस लगाएंगे। अरे बेटा वो जमाना और था, अब तो काम चोर नटखट छिछोर खरगोश ही जीतता है,
क्योंकि लोगों पर रुआब कर सकता है, तेज तर्रार तरीके से बोल सकता है। सच्चाई का जमाना ही कहाँ रहा बेटा? अरे बच्चों धीरे से खेलो, नहीं तो किसी को लग जाएगा। ओ राजाराम, आप जल्दी लौट आए? हाँ दादी अम्मा, आज मैं स्टेशन से टैक्सी में आया हूँ, आज मैं परमानेंट हो गया हूँ। हाँ वाह राजाराम, ऐसे सुना रहे हो, पेड़े नहीं खिलाओगे? अरे सारे चाल के लिए लाना पड़ा तो एक महीने की तनख्वाह खत्म हो जाएगी। मुबारक हो। मर गए यार। हजार बार कहा है इन बच्चों को यहाँ आंगन में मत खेला करो, कहा है कि नहीं? तो फिर ये कहाँ खेलें चिमक्का? बाहर सड़क पे जाके खेलें, वहाँ क्या कम जगह है? चिमक्का हमारा बॉल देना प्लीज। अभी देती हूँ। ये क्या दिया? हेलो बच्चों, क्या दिया? हमें क्या दिया? देख लेना मोटी को। ये लो बॉल। अरे खुद के बच्चे नहीं है इसलिए ये चुड़ैल इन मासूम बच्चों के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। किसने मारा? किसने मारा ये बॉल? जान के बदमाशी करते हो तुम लोग, आज से यहाँ खेलना बंद। ला बॉल वापस। मिसम जी, परमानेंट। हाँ बाबू। ओहो हो हो, राजा राम आओ आओ। बाबू खुशखबरी है, फैन जरा ऑन कर दो। अच्छा हाँ 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 बाबू, बड़ी अच्छी खबर है। पानी देना चाहिए। पानी बाबू, आज ऑफिस में मालूम है क्या हुआ? टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स। हाँ वो कहाँ रखा ये था? हाँ ये रहा बाबू, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? रख दो आज। मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। तुम लोगे? नहीं बाबू। अच्छा अच्छा, और कुछ? बस फिलहाल ठीक है। अच्छा। कुछ लगा तो ये है ही अपना। अच्छा बाबू चलता। अरे ओ राजा राम, पहले इधर तो आओ, मुंह मीठा करो। अच्छा अच्छा। अरे हाँ बाबा का टॉनिक लाए हो? शर्म नहीं आती दिन दाड़ी? अरे शर्म काहे की, अपनी तो बीवी है, वो भी नई नवेली। गुदगुदी होती है। आओ भी। नहीं बात नहीं करूं। शाबाश बेटे शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो। लो मुंह मीठा करो। दादी अम्मा, मुझे हेड क्लर्क बनना है। हाँ? एक ना एक दिन अपना सपना पूरा करके दिखाऊंगा। जरूर बनोगे बेटा, जरूर बनोगे। अरे ये बाबिया की दवा। हाँ? और ये चेंज, उसका बुखार उतरा? अब बुखार तो कब का उतर गया, कल स्कूल जाएगा। नहीं जाऊंगा। देखा ना कितना बदमाश है, मैं इसे अभी ठीक करती हूँ। माँ बाबा, अच्छी खबर है। मैं परमानेंट हो गया हूं। मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो कर अपना। राजा मम्मी के पास जा। आई 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 आ जा। राजाराम जी, माने पूछा थोड़ा सा दूध होगा? हाँ है ना, थोड़ा सा है। ओ राजाराम जी बहुत शुक्रिया। कितनी बार कहा है मुझे राजाराम जी मत कहा करो। क्या करूं, आपकी पर्सनैलिटी में ही जी है। ओ, ये नया बनवाया? हाँ एकदम फ्रेश है। राजाराम पू जोशी। पू नहीं, पुरुषोत्तम। वो पूरा फिट नहीं हुआ। संध्या आज मैं परमानेंट हो गया हूँ। अच्छा।
अरे वाह, मैंने सोच रखा था कि जिस दिन भी मैं परमानेंट हो जाऊंगा ना, उस दिन अपने नाम की शानदार तख्ती बनवाकर दरवाजे पे लगा दूंगा, राजा राम पुरुषोत्तम जोशी। और एक और भी सोच रखा था कि जिस दिन मैं परमानेंट हो जाऊंगा ना, उस दिन तुमसे मैं तब नाम अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि हम भारतीय हैं, साहब की भाषा में किस लिए? साहब की भाषा में रोब है, रुबाब है। रुबाब तो अपने में ही नहीं है तो तख्ती में कहां से आएगा? संध्या, मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों अगर संध्या कील और हथौड़ा है? हाँ है ना, मैं सब कुछ रख लेता हूँ, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, अभी लाता हूँ। ये हाँ, थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा ये हाँ। कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारे हाथों से इस बोर्ड का उद्घाटन हो रहा है। अरे वाह, राजाराम ने नया बोर्ड बनवाया। हाँ, मैं परमानेंट हो गया हूँ ना। ये हाँ। देखिए, और देखो देखो, कोई बाहर का आदमी आया है। कमाल हो गया, कहाँ से आ रहे हो इतने दिनों बाद? आओ सामान का तुम्हारा। यार ना पीछे कहाँ थे इतने दिन है, एकदम से चमक पड़ा। बताता हूँ यार, जरा सांस तो लेने दो। अच्छा अच्छा, आओ जा यहाँ इसमें। हाँ देखो ना, बोर्ड अपना कह रहे हैं। मेरा लगता है ना एकदम। अच्छा है, अच्छा चलो 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 चलो। पुरखों की है, दादा के जमाने से चलती नहीं है। ओह गुड। तो यह है आपका दौलत खाना। अरे करीब खाना है। कुछ दिनों के लिए तो चल ही जाएगा, चला लेंगे। तुम अरे संध्या छूट गई थी। ये संध्या यहाँ हो ना। हाँ, ये संध्या सबनीस इसी चाल में रहती हैं, वो 14 नंबर में। हेलो, एंचांटेड, कीचड़ में कमल का फूल, क्या बात है। वेल कंग्रेचुलेशंस। ओ वो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कमाल है। वैसे अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। 100% पक्का है भाई। क्या क्या पक्का है? यही कि तुम्हारे चाल में मैं आया हूं तुम्हारे कमरे में, इसीलिए तो कंग्रेचुलेट कर रहा हूं। तुम क्या समझे थे? ओहो, तो तुम यहां रहोगे? बंबई में वापस आ गया हो ना। बंबई वापस आ गए हो? तो बंबई छोड़ के कब गए थे? तुम्हें नहीं मालूम? 4 साल दिल्ली में नहीं था क्या? मुझे क्या मालूम, 4 साल से तुमने मुंह दिखाया कभी? जब से तुम इंटर में फेल होके कॉलेज छोड़ के भागे हो तब से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने, कभी तुमको मेरी याद नहीं आई। अरे यार, कभी मिलने तक नहीं आए। तो अब आ गया हो ना यार, और मिलने नहीं साथ रहने भी। रहने? हाँ, बंबई में फिर से छा जाना है क्या? बंबई में तो तुम जानते हो जगह का कितना प्रॉब्लम है, पर ना मैं क्या चाल में रहने वाला हूं, जब तक मेरे लायक जगह नहीं मिल जाती तुम्हारे साथ रह लेते हैं यार। यहीं जमीन पर बिस्तर तो डाल लेंगे तुम्हारे पेइंग गेस्ट की तरह, और तुम्हें हर महीने
300 रुपए दे देंगे जाओ। जी 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 दोस्त से मैं पैसे लूंगा। नहीं 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 पैसे तो तुमको लेने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं, नहीं 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 पुराने यार से मैं पैसे लूंगा ये मुझसे नहीं बनेगा। तो जा फिर मैं नहीं। नहीं नहीं सुनो तो ठहरो रुक जाओ। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर तय हुआ हर महीने 300 रुपए मिलेंगे। 300 रुपए साहब मनी ऑर्डर है। हाँ मनी ऑर्डर। हाँ किसका है? अरे सुना तुमने राजाराम ने पैसे भेजे हैं। अच्छा पूरे 300। अच्छा अरे गिन तो लो ठीक से। अरे गिन के ही तो बता रहा हूँ। लिखा है हाँ? तुम दोनों अपने लिए कुछ अच्छी सी चीज खरीद लो। अच्छा ऐसा करो हाँ? तुम साड़ी खरीद लो। नहीं नहीं साड़ियां तो है मेरे पास दो हैं। नहीं तो हम ऐसा करेंगे एक और बछिया खरीदते हैं। बहुत दिनों की तमन्ना है। ए, कहां भाई? मैं वाई में था अपने गांव में। माँ और बाबा को मनी ऑर्डर मिल गया था। दोनों बड़े खुश थे। तुम्हारे यहाँ चाय भाई को नहीं पूछते क्या? चाय यार दूध नहीं है। अरे तो अरेंज करो यार इतनी बड़ी चाल है कमाल है दूध नहीं है। अच्छा अब देखता हूँ। ऑल द बेस्ट। मोई रोज दूध में मुंह डालती है। तेरा बेरा गर्क हो जाए पाले कोई और दूध पिलाए हम। इस जाल में या तो बिल्ली रहेगी नहीं तो मैं आज नहीं आओ ना नहीं मिल जाए। सुनो बहुत ही बेजरम हो तुम। आओ ना अरे देखो लो बेटा वो डॉक्टर गुस्सा करेगा। दादी अम्मा थोड़ा दूध होगा। बेटा आज तो दूध नहीं होगा। सारे दूध का मैंने मुन्ना के लिए खीर बना दिया। ये चीरी ले जाओ। नहीं नहीं खाओ खाओ। राजाराम के मेहमान हैं? जी हाँ बाशु नाम है मेरा। अच्छा अरे ये इतना प्यारा सा सुंदर बच्चा आपका है? सुंदर हाँ देखिए ना कितना तेज कितना रोब बिल्कुल माँ पर गया है। नाक भी साफ नहीं। वाह क्या ठाट है। कौन राजाराम? आओ आओ बेटे आओ। बाबू थोड़ा दूध चाहिए था। अच्छा क्यों नहीं क्यों नहीं। बेटे वो आई ड्रॉप्स डालना जरा। अच्छा अच्छा एक 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 बूंद डालना। अच्छा हाँ वाह 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 शाबाश। ओह बस अब देखो मुझे मुझे उठाकर बिठाना जरा। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता अब। अच्छा अब वो फैन फैन ऑफ ही कर दो। ऑफ कर दो। बाबू दूध ले लूं? हाँ हाँ ले लो क्यों नहीं राजा राम रेडियो पर देखो क्या है गाने होंगे। अच्छा विविध भारती जरा वॉल्यूम बढ़ाना बस। हाँ। राजा राम एक पोस्टकार्ड लिखोगे? हाँ लिख दूंगा। वहाँ ड्रॉवर में होगा देखो पोस्टकार्ड। हाँ हाँ अच्छा अच्छा आओ। बहुत दिन हुए मैंने मैंने लिखा नहीं है। अच्छा हाँ बैठो बैठो लिखो। ये पेन। अच्छा किसको? चिरंजीवी यमुना को। चिर बापू का ये लाइट। बापू का बहुत बहुत प्यार। चूरन खाओगे बेटा? नहीं मैं खाऊंगा। वो शीशी पकड़ाना जरा। अच्छा हाँ चिरंजीवी यमुना को बापू का बहुत बहुत प्यार।
दूध वाला मिल गया दूध, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी बापू, पकड़ के हर बार कुछ ना कुछ मजदूरी करा। रखो इसे संभाल के, बैठो यार, बी कंफर्टेबल। पर चाय नहीं थी? आ जाएगी, आ जाएगी, अब हम आ गए वो भी आ जाएगी, इसको रख दो। आ भाभी जी, आपने क्यों इतनी तकलीफ की? नहीं नहीं, अमृत है भाभी जी, अमृत। राजाराम बाद में कब पहुंचा देना? आप बेफिक्र रहिए भाभी जी। अच्छा लो यार, तुम भी तो शौक फरमाओ, पियो यार। कौन आया, 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 पहल पहल धूम मची, क्या बताता छूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, चाँद के अंधेरे में सूरज बाप फूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, शाही गुलाब मोरे आंगन बा महका, अजनबी मुसाफिर कोई परी देश से आया, शहजादा झोली में खुशियां भर लाया, में बाजो की मोहिनी होगा, कोई जादूगर होगा, कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, इतने सालों बाद मिले, कमाल है। वेटर रिलैक्स करो यार, रिलैक्स। नॉनवेज तो खाते हो ना? हाँ क्यों नहीं, तुम ही मंगा लो कुछ भी। फिर भी कुछ बताओ तो सही यार, क्या खाओगे?
अंडा करी? अंडा करी भाई, एक अंडा करी और एक मुर्ग मुसल्लम, एक पनीर मटर, एक काली दाल, एक दही रायता, दो नान करारे जी। ग्रीन सलाद लोगे? नहीं नहीं नहीं, सलाद एक ग्रीन सलाद और कुछ? पहले इतना तो ले लो। हाँ सर। अरे वासुदेव कितना मंगवा लिया? वासुदेव नहीं यार, अब तो बाशु। हाँ? सर स्टाइलिश बाशु। बाशु? अच्छा ये तो बताओ बाशु, इतने साल तुमने किया क्या है? ये पूछो क्या नहीं किया। पहले तो एक फाइव स्टार होटल में रिसेप्शन स्टाफ में अफसर था, वह क्या ठाट थे। अरे वाह, रिसेप्शन स्टाफ, वो तो बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा। वो तो जाहिर है, क्या है कि फाइव स्टार होटल में बहुत बड़े लोग आते हैं ना, फॉरेनर्स, वीआईपी बहुत। अच्छा उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक फिल्म यूनिट में था, डायरेक्शन डिपार्टमेंट। हाँ रेडी, मेकअप रेडी? या रेडी। लाल टॉपी क्या कर रहे हो उधर? लेट्स गो। अरे देखता नहीं कौन है वो? चल हटो ना साला वहां से, कैमरा के सामने खड़ा हुआ है। अभी तक यूज किया यार, बेकार में अपसेट करता हूँ। अबे ओ यू के बटे क्लैप देना। 42/0 You know what is this going on? I'm sorry. I can't work like this. It's backup. Backup? No. It's backup. Yes. बचाओ। You bloody bastard! You're fired. तुम्हें ताज्जुब होगा, मैंने बंबई में रहते हुए भी शूटिंग कभी नहीं देखी, टेलीविजन की भी नहीं। बहुत एक्साइटिंग होता होगा। अरे महा बोरिंग यार, और वैसे स्टार्स के नखरे छोड़ दिया। हाँ? फिर एक और बहुत दिलचस्प चीज करके देख, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो भाई जान चगा चौन नाशिदी दिल। हाँ तो भाई जान मेरे मेहरबान का दर्दान, गंजे चिकने सर पर घने घुंघराले बालों की खेती, एक हफ्ते की गारंटी। आ गया हाथ दबा हाथ दबा, एक घने घुंघराले बाल, पांच रुपए बाराना, पांच रुपए बाराना, पांच रुपए बाराना, अंडे पर भी बाल लगाएंगे, पांच रुपए बाराना, पांच रुपए बारा। सोच विचार का टाइम नहीं, हाथ बढ़ाओ। सुना है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में बड़ा ग्लैमर होता है। पूछो मत। अच्छा बाशु, तुमने इतनी सारी नौकरियां की तो कहीं टिके क्यों नहीं? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर यार, कलाकार की बेचैन आत्मा। जहां दिल उग गया अलविदा, किसी के बांधे अपन नहीं रुकते, लाख रोका जाए नहीं रुकते। बदमाश, लुच्चा, लफंगा, गेट आउट, गेट आउट। तुम्हारा मुंह दिखाया तो अंधा करवा दूंगा, आउट। सचमुच वासुदेव तुम बड़े नसीब वाले हो, लेकिन कुछ भी कहो तुम्हें पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए थी, अभी भी बीए कर लो। हैं? एमए करके तुम क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूं क्लर्की की, और अब तो परमानेंट भी हो गया हूं। कौन सी कंपनी तुम्हारी? फुटप्रिंट शूज। तुम्हारा बॉस कौन है? ढिंडोरिया। वैसे ऑफिस में बड़े स्ट्रिक्ट बनते हैं, लेकिन हैं बहुत भोले। अभी हाल ही में एक आदमी उन्हें चक्कर देके उड़ गया, बीवी के दूर का रिश्तेदार था इसलिए नौकरी पर रखा था, 50-60 हजार रुपए गोल करके उड़ गया। अच्छा तो क्या इतने बुद्धू हैं तुम्हारे ढिंडोरिया साहब? बुद्धू नहीं है, भरोसा करते हैं। ओ। और फिर उनका सारा ध्यान तो गोल्फ में रहता है। गोल्फ? हाँ गोल्फ। टूथपिक ले आओ। यार राजाराम तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मैं अपना बटवा यार बाथरूम में भूला है।
40 रुपए है मेरे पास। 40 से क्या होगा यार, 78 का तो बिल है। मैंने सोचा तुम बुला रहे हो। अच्छा अच्छा खैर कोई बात नहीं, रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ, बैठो। हेलो, अदरान वाला साहब है? जी हाँ सर। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। जी हाँ, हाँ सर, वो रेस्टोरेंट में हमने खाना खा लिया सर। हाँ काफी अच्छा है, मुर्ग मुसलम वगैरह तो काफी अच्छे हैं। नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल स्पाइसी नहीं, नहीं सर, बल्कि अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें तो मेरा ख्याल है वो बिरचौर भी कम कर देंगे, क्योंकि हमारे डेलीकेट जो हैं वो सब फॉरेनर्स हैं ना, और 500 हैं। हाँ सर, हाँ जी। नहीं सर, अभी तक मैनेजमेंट से बात नहीं की। नहीं सर, मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो दूसरे जो दो रेस्टोरेंट्स हैं ना हमारी लिस्ट पर, हाँ उनको भी आजमा लिया जाए। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं अब आपने मुझ पर भरोसा किया, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए सर। जी सर, नहीं नहीं, हमारा डेलीगेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, टेलीफोन का वन, टेलीफोन का कोई चार्ज नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ का खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा है। मगर बिल तो नहीं दिया? हाँ वो मैं अभी दे रहा हूँ बस। नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आप तो हमारे मेहमान हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे यहाँ आए। आपने हमारे यहाँ की स्पेशल कुल्फी खाई है? नहीं अभी तक नहीं। फिलिप्स, हाँ साहब, साहब की टेबल पर स्पेशल मैंगो कुल्फी अभी आया साहब। आपका रेस्टोरेंट तो भाई वाकई बहुत ही अच्छा है। इट्स बीन सच अ प्लेजर मीटिंग यू। इट्स आवर प्लेजर सर। सुनो, अभी पानी अंजनी सूता राम दूता प्रभंजन महाबली प्राणदाता। आज देर कर दी तुमने, पानी का क्या पता होता है आजकल, किचन का पीपा रह गया था कल। आवाज कम करो यार। बोतल दे दे माँ। भाई बाल्टी रखी गई हूँ। बासुदेव, बाशु, उठो। क्यों शोर मचा रहे? अरे सुबह हो गई, उठो चाय पियो। चलो माओ, अरे 6:55 की फास्ट लोकल निकल जाएगी। हाँ चलो चलो, मैं आया। चाय तुम बहुत स्ट्रांग बनाते हो यार, एकदम देसी। अरे सुबह सुबह सिगरेट पी रहे हो, ये आदत अच्छी नहीं है। तुमने तो कभी सिगरेट पी नहीं होगी।
वाह, क्यों नहीं? तुमने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है? अरे मैंने बहुत सिगरेट पिए, मैंने तो बियर भी पिया है। डिसूजा की फेयरवेल पार्टी पर सिगरेट की क्या बात है? और मैं हर जन्मदिन पर एक पूरा पैकेट खरीदता हूं, बढ़िया सा इंपोर्टेड। अरे यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तो फिर तुम्हारी शादी पर मेरी तरफ से एक इंपोर्टेड कार्टन फिक्स। हाँ फुटप्रिंट शूज। ओहो ब्रांड न्यू? नहीं नहीं, ये तो कंपनी की तरफ से मिले हैं आधे दाम पर, और ये तो सेकंड्स का माल है, ऊपर से 20% डिस्काउंट और मिल गया। किसी को जरा पता नहीं चलता कि डिफेक्टिव माल है। सैंडल पहनो तो फुटप्रिंट हर वक्त के लिए उपयुक्त, जूता हो तो ऐसा, जूता खाओ तो फुटप्रिंट, जूता हो तो ऐसा, हर वक्त के लिए फुटप्रिंट शूज। जॉली गुड फिल्म, वेरी वेल मेड, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। टू यू टू। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Nice film, sir. It's a lovely film, sir. Very lovely. Yes, yes. Well, well, Mr. Joshi, what did you think? Sir, मुझे तो ये फिल्म बचकानी लगी। बचकानी? सर, इससे हमारे प्रोडक्ट का मजाक ही होगा। Obviously, you know more about files than about art. Well, Mr. Mahadevan, you are the prince. Yes, sure, sir. Shall we? तुम बहुत ही फ्रैंक हो यार। यू आर अ नॉटी बॉय मिस्टर जोशी। बासु जी, ओ बासु जी। अरे चमक का, आई आई। क्या है? हाँ। ये खुल नहीं रहा। आपसे भी नहीं खुलूंगा। हाँ। अरे वाह, खाइए ना, खाइए। बुला रहे हैं आपको। आप कहें यार हम ना आएं ऐसे अंकल अंकल आप भी दे दो ना, ब्लाइंड रिलीफ के लिए चंदा। अरे बेटे आज तुम्हारी स्कूल नहीं है क्या? स्कूल की तरह से ही घूम रहे हैं। लेकिन बेटे मेरे पास तो चेंज ही नहीं आया। मास्टर जी। हाँ आई है, ये मास्टर जी आई है। पेपर है? नहीं, वो लोकसत्ता तो राजा हम लेगा लोकल में पढ़ने के लिए। अच्छा। हाँ मास्टर जी। हाँ जी। इस छोटे से सोशल वर्कर को भी तो कुछ दे दीजिए। मैंने तो अभी ऊपर दे दिया। नहीं नहीं, ये तो मेरी तरफ से कुछ दे दीजिए। किस तरफ से? वो क्या है कि मेरे पास 100 रुपए का चेंज ही नहीं है। हाँ। क्या करूं? अच्छा देखता हूँ। अरे चारण है मास्टर जी, कुछ मेरी इज्जत का भी तो ख्याल कीजिए, कुछ नोट वोट तो कम से कम। नोट? हाँ है ना, 1 रुपया। हाँ अब वही ना बात। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। हाँ मास्टर जी भैया 1 रुपया आप याद से मुझसे ले लीजिए। अरे 1 रुपये की क्या बात है, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर जाने दीजिए, फिर कोई बात नहीं। अच्छा सर, आजकल तुम्हारा घर में ध्यान ही कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। कोई है? कौन है भाई? राजाराम पू जोशी है। आपके यहाँ कोई बीमार है?
जी हाँ, मैं खुद मरीज हूं। क्या बीमारी है? दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट। आपकी तारीफ? जी मैं म्युनिसिपैलिटी के यहां से सर्वे करने आया हूं। ओ। वैसे आप कितने जन यहां रहते हैं? बस हम दो ही जन हैं यहां। अभी बच्चे नहीं हुए? हुँ? नहीं, और कोई उम्मीद भी नहीं है। ओ। ये मेरे लंच बॉक्स में लड्डू है बेसन का। क्लास को संभल के क्लास करना। और देखिए ऑफिस से आने में देर नहीं करना, बड़े भैया और भाभी आज शाम को आ रहे हैं। पिछली बार आप जानबूझ के डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेके भाग गए थे, और देखिए आते वक्त आधा किलो बूंदी लाना, नहीं नहीं एक किलो लाना, कहीं भाभी को ऐसा ना लगे कि ननद कंजूस है। और देखिए जल्दी आना, आते हैं तो खा के ही जाते हैं, पता नहीं मैं भी क्यों इतनी खातिर करती रहती हूँ। अरे उसके घर जाओ तो आधा कप चाय भी नहीं पिलाएगी, परसों मैं गई थी ना तो मुझे दो घंटे तक अपनी हांगकांग की साड़ियाँ दिखाती रह गई। अरे उसके पास कम से कम 200 साड़ियाँ हैं, और मैं जो हूँ मेरे पास 20 भी नहीं। और सुनो आते वक्त न्यू साड़ी कॉर्नर में देख के आना, सेल लगा है क्या? वहां पर मैंने एक बड़ी सुंदर साड़ी देखी थी परसों, बैंगनी रंग की, बैंगन नहीं भूलना लाने को, और एक जिमिकन भी लाना, इतना नहीं नहीं इतना नहीं इतना ही लाना, हाँ इतना। तो चले, बड़े बहादुर आदमी हैं आप। जी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा आप बड़े बहादुर आदमी हैं। अच्छा एक मिनट प्लीज। गुड आइडिया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वाकई आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देर हो रही है। देखो देखो रोना नहीं, अरे उसमें रोने की क्या बात है, हंसो हंसो। तुम जा रहे हो, मेरा मन नहीं लगेगा। मेरा लगेगा? संभल के रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। पगली, अरे उसमें डर काहे का? अच्छा अच्छा, ये साहब कहीं परदेश जा रहे हैं क्या? नहीं ऑफिस जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, मतलब शादी के बाद। ओ आ रहा आ रहा आ रहा। आप कौन से कमरे में रहते हैं? 36। अच्छा टीवी वाला एक ही घर है इस चाल में। आपको देखना है टीवी इस वक्त? नहीं घर, हमारा घर, यह हमारा टीवी इंपोर्टेड है। हाँ तभी पर्दे में रखा हुआ है, अभी प्रोग्राम नहीं है ना। अच्छा। आइए, ठंडा पानी पीना हो तो नंबर 36। ये फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग गृहस्थी है हमारी। ये देखो वाह, पार्टीशन। ये मेरा लड़का है, कनाडा में डॉक्टर है। वाह, ये सभी अरेंजमेंट उसी का है। वाकई? यानी कनाडा में रहकर भी अपनी भारतीय संस्कृति नहीं भूले? वो तो हमें बुलाता रहता है वहीं सेटल होने के लिए, लेकिन एक बार जो चाल में रहा वो चाल छोड़कर नहीं जा सकता, जॉइंट फैमिली से हो जाती है। जी साहब आपका एक कमरा किसी कनाडा से कम है क्या? चाय हो जाए, लेकिन गर्मी बहुत है। लस्सी बनाऊं? दो मिनट में बन जाएगी मेरे मिक्सी में। इंपोर्टेड होगी? नहीं नहीं ठहरो ठहरो एक मिनट। साहब जरा टेबल खोलो। खोलो? लीजिए साहब, ये लो चिल्ड बियर। ठाट है साहब आपके। Cheers. Cheers. What's the position of our Tokyo call, please? Footprint shoes. All right. Vidya. Thank you. Joshi, check that.
चलो अभी तो क्या हुआ? आओ छोड़ो रिश्ते को हाय क्यों इतना ज्यादा काम करते हैं मिस्टर जोशी? अरे दशरथ मेरा पान ले आओ। आप इतना कम काम क्यों करती हैं? मैंने आपसे पूछा है कभी? काश आप पूछते, कुछ तो पूछते। मिस्टर जोशी मेरे से क्वार्टरली स्टेटमेंट का काम बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा। आप माहिर हैं, जरा कर दो ना, आधे घंटे का ही तो काम है। देखिए मेरे पास पहले बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मेरे पास वक्त। प्लीज अच्छा रख दीजिए, देखता हूँ मैं लंच टाइम में। लो बेटा खाओ। ये तो बहुत ज्यादा है दादी अम्मा। आय हाय ये ज्यादा है? अरे तुम्हारे जैसे नौजवान को तो खूब डट के खाना चाहिए। हाँ आप कहती हैं तो लेकिन मक्खन का राशनिंग है बेटा, हमारा बाबिया है ना, बगैर मक्खन के खाता ही नहीं ये रोटी। हाँ अच्छा क्या स्वाद है। क्या बात है बेटा, रुक क्यों गए? माँ की याद आ गई दादी अम्मा, वो भी इसी तरह प्यार से। तो माँ बंबई में नहीं है? माँ तो अब इस दुनिया में नहीं। हाय 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 हाय, और मक्खन लो बेटा, ये ऊपर वाला पता नहीं कैसा जुलुम कर देता है। नहीं नहीं भगवान तो बड़ा दयालु है दादी अम्मा, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो। अरे तो क्या तुम देवी देवताओं को मानते हो बेटा? बहुत दृढ़ता के साथ दादी अम्मा। हाँ आप मुझ पर हंसेंगे, मुझे धार्मिक किताबें पढ़ने का इतना शौक है कि महाभारत रामायण वो गीता। अरे लो बेटा गरम गरम। वाह खाओ 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 खाओ, आप तो बिल्कुल द्रौपदी की तरह हैं। द्रौपदी? द्रौपदी नहीं बेटा, कुंती। वही वही वही। दादी अम्मा, दादी अम्मा आपकी धोबी के कपड़े वही रख दो बेटी। शाबाश, आओ तुम भी गरम गरम खा लो, आओ। नहीं वो माँ। अरे पगली कहीं की भाग गई। ये क्या है? सेब है। ए इस फॉर एप्पल। ये किस लिए? खाने के लिए। नहीं मैं मैं इसे नहीं खा सकता, मुझे सेब से एलर्जी है। लगता है आपको मुझसे एलर्जी है। संध्या, संध्या। हाँ भाव। इतवार को सुबह कहीं नहीं जाना, तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं। हाँ देखने जी, मैंने कितनी बार बोला मुझे देख वेख के शादी नहीं करनी। ऐसे भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो बीए हुई है, अपनी पसंद का लड़का खुद ढूंढ लेगी। आजकल के जमाने में ये अच्छा है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो क्या बुरा हुआ आपका है? और ये लड़का कहां ढूंढेगी, इस चौल में? क्यों नहीं, अपना राजाराम क्या बुरा है, कितना शरीफ है, नौकरी है और परमानेंट भी हो गया है। मेरा जीवन साथी होगा रॉबीला, स्मार्ट। अरे, अरे, अरे,
से धक्का लेके आगे निकल जाते हैं। अरे आदमियों की तरह पेश आओ, जानवरों की तरह नहीं। मैं आधे घंटे से खड़ा हूं और माता जी मुझसे भी पहले खड़ी है, धक्का देके आगे निकल जाते हैं। इसीलिए तो हमारा देश पिछड़ा हुआ है। ठीक, मामूली इंसानियत नहीं है, दूसरे की कदर नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। भाई साहब आप क्यू में लगे ना प्लीज, हम लोग आपसे पहले खड़े हुए हैं। चलिए चलिए लाइन में आइए भाई साहब, प्लीज कम इन द क्यू, दिस इज नॉट द वे टू वेट फॉर द बस। आधे घंटे से हम खड़े हुए यहाँ पे, आइए प्लीज आइए भाई साहब, आप यहाँ आइए, आप हमारे बात, आप यहाँ आइए प्लीज, गेट इन द लाइन। मैडम आप आइए ना, हम लाइन में हैं। हाँ वहाँ जगह है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप आइए तो यहाँ पे प्लीज लाइन में लगिए। शाबाश बेटा, चलिए सब लोग, चलिए सब लाइन में आइए, एक एक करके घबराइए नहीं, सबके लिए जगह। गधों को मार मार के घोड़े कैसे बनाओगे बेटा, यहाँ तो बस ऐसा ही चलेगा। आप फिक्र मत कीजिए माता जी, मैं आपको इस बस पे चढ़ा के ही रहूंगा। अरे वेंग सरकार को कई बार समझाया कि तुम अपनी पैडिंग टेक्निक सुधारो वरना पछताओगे, फिर मेरे पास मत आना रोते हुए। मान गया तो सिलेक्ट हुआ ना। हाँ कमाल है, कई बातें तो सनी को समझानी पड़ी। आप गावस्कर को भी जानते हैं? ऑफ कोर्स। और विश्वनाथ को? अरे उसकी बीवी से पहली बार तो मैंने ही मुलाकात करवाई। हाँ चलो साहब, बोलो टिकट हुआ आपका? नहीं देना। आपको कहाँ जाना है माता जी? मंत्रालय। दो, एक मंत्रालय एक चर्च गेट। माता जी आइए, माता जी जल्दी जल्दी, यहाँ से खाली हो गई। धक्का मत मारो, कौन धक्का मार रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है आपको, उतरना है। चलो वैसे हाँ बच्चों अंकल जल्दी थोड़ा जग, तुम ऊपर नहीं आ रहे हो, तुम चाय बनाओ मैं आता हूँ। आप पतंगड़ी को जानते हैं? नहीं, टाइगर से कभी पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, हालांकि शर्मिला ने कई बार कहा घर पे आओ खाना खाओ, ये टाइम ही नहीं है ना, टाइम का इतना प्रॉब्लम है कि टाइम बिल्कुल है ही नहीं, क्या करें कहाँ चला है। बस एक काम करने भेजा था, अभी तक इनका कुछ पता ही नहीं, पापड़ लाने को बोला था, रात को खाने में पापड़ नहीं होगा तो बोलेंगे पापड़ नहीं दिया, बस घर से निकलने का बहाना चाहिए, इधर उधर रुलने की आदत है ना, फिर भी इतनी अच्छी बीवी मिली है पर कोई कदर ही नहीं, किसी दिन चली गई ना तो मत्था पकड़ के रोएंगे। हाय हाय मैं तो कुछ बोलती नहीं, किसी दिन बोल पड़ी तो आग लग जाएगी। पाशु चाय बन गई। आ रहा हूं यार। हाँ। अब क्या हुआ कि एक अमेरिकन हाँ। एक रशियन और एक अपना हिंदुस्तानी भाई अच्छा लड़कियों के हॉस्टल के पास से गुजरा, अब तीनों में लगी शर्त। हाँ। क्या सुनाया इतना? वो तुम्हारे लिए नहीं है। चाहे तुम बहुत स्ट्रांग बनाते हो, एकदम खाटी। ये समोसे अच्छे हैं। समोसे? ये उन्होंने भेजे, वो जो ऊपर रहता ना तुम्हारे मास्टर जी। मास्टर जी ने समोसे भेजे? किस लिए भेजे? भाई भेजे तो खाओ, मजे उड़ाओ, अच्छे लोग हैं तुम्हारी स्टाइल के। अच्छा जाओ, तुम्हारा बुढ़ा अपनी अलार्म बजा रहा है। इसका कोई रिश्तेदार विश्तेदार नहीं? हाँ है ना, एक बेटा और एक बहू है, पर वो दोनों लेट आते हैं, और वैसे भी चाल में तो सभी रिश्तेदार होते हैं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा मालूम होता है। ये आदमी उन्हें क्रॉसवर्ड में एक लफ्ज नहीं मिल रहा था। तुम्हारा वार्डरोब बड़ा एनीमिक है यार, जहां देखो सफेद ही सफेद, क्या है क्या तुम्हारा यार? अरे तीन ही तो कमीजें हैं, तो अगर तीनों सफेद हों तो लोगों को पता नहीं चलता कितनी है।
यार ऑफिस में लड़कियों पर रोब जमाने के लिए एक चमकीली भड़कीली ऑफिस की लड़कियों की बात मत करो सुधर जाओ राजाराम सुधर जाओ बशु ये तुम्हारी इतनी सारी चाबियां ये सब काहे के लिए इसमें से काम की तो प्यारे एक ही है अटैची वाली है बाकी तो अपना टशन है स्टाइल क्या सुदर्शन चक्र बाशु जरा पैसे चाहिए थे काहे के पैसे वो उस दिन मैंने दिए थे ना बिल के लिए 40 रुपए वो मेरा मनी ऑर्डर आने वाला ना बस दो दिन इंतजार करना है अच्छा तुमने नौकरी के बारे में कुछ सोचा काश तुम ग्रेजुएट होते तो मैं अपनी शूज जरा देखो बाशु देखो मेरी बात सुनो तुम अभी भी बीए कर लो नौकरी ढूंढने में आसानी होगी नौकरी ढूंढी नहीं जाती दोस्त आसमान से टपकती है अरे चुमका के दरवाजे को विलास ने बाहर से कुंडी लगा दी उठाइए उठाइए मैं सबने शर्माइए नहीं तकल्लुफ किस बात का अपना ही घर समझिए पसंद आए समोसे बहुत स्वाद होते हैं पुरोहित के समोसे चाय साथ होती तो मजा आ जाता अगर चाय चाहिए मेम साहब तो उठिए और खुद बनाइए और हमें भी पिलाइए आपको स्टोव मालूम है पत्ती मालूम है दूध मालूम है हाँ जरा हल्की बनाइएगा मैं जरा लाइट पीता हूँ अभी बनाती हूँ राजाराम पुरुषोत्तम जोशी घर में हैं? हैं हैं। लाइए समोसे अरे ये क्या है बैठो जरा जल गए हैं लेकिन फिर भी पसंद आए समोसे बहुत स्वाद होते हैं पुरोहित के समोसे चाय साथ होती तो मजा आ जाता है ना चाय है हाँ भी लाता हूँ फर्स्ट क्लास चाय Excuse me, yes? हम दुकान बंद कर रहे हैं ओह oh. आपको किताब खरीदनी है जी हाँ मुझे कई किताबें खरीदनी है हमारी क्लब की लाइब्रेरी के लिए भाई बड़ा अच्छा सिलेक्शन अच्छा? है आपके पास मैं कल सुबह आ जाता हूँ आप कितने बजे दुकान खोलते 10 बजे खोलते हैं ठीक है मैं 10:15 आ जाता हूँ क्यों थैंक यू Thank you.
A's for apple. A's for apple. A's for apple. कहाँ जा रहे हो मेरे बुलबुल? तुम? हाँ हम। मेरा रास्ता छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? नहीं बदन चोट तो नहीं आई मेरी जान? माल अच्छा है यार, खोया है खोया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में भाई बाप नहीं है क्या? चलो अरे पकड़ो, भाग गया। कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? निकल गया हाथ से। ओए वशी तुम वहाँ। यस बॉस। विद्या इधर। ओके बॉस। शीला इधर। ओके बॉस। अरे ऐसे भागने वाले बहुत देखे हैं। मिस्टर राजाराम जोशी। हाथ डाल दो मुझे, हाथ लगा तो। अरे आप सेब चलो खाओ खाओ खाओ। एडम ने दिखाया था। शाबाश शाबाश ये आधा बल है। हाय हाय ये हुस्न, हाय हाय ये जवानी। अरे इधर भी तो आओ जानी, तेरे लिए तो छाती खुली। ये अच्छी बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा पेपर मिल गया। फैंटास्टिक, वाह वाह वाह, क्या शॉट मारे है यार, वाह वाह वाह, वेरी गुड। देख हूं असी की जलवे दिखाने हैं। लेट्स सी हाउ इज दैट। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ड्राइव। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। मैं एक घंटे से छुप छुप कर आपका गेम देख रहा हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू आप बाशु भट्ट। इस गेम के बहुत बड़े कदरदानों में से एक हूं। मेरा तो खैर इतना इंट्रोडक्शन काफी है। इंडिया में ये स्टाइल ऑफ प्रिसिशन बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, बहुत मुश्किल। आप किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं? जी हाँ, गुड ओल्ड इंग्लैंड। दरअसल मेरा एक दोस्त वहां के बहुत बड़े स्पोर्ट्स वीकली का एडिटर है। एमेचर गोल्फ इन इंडिया पर एक फोटो फीचर करना चाहता है वो। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले लूं। मेरी? जी हाँ, इन एक्शन। ओके ओके इट्स ऑल राइट विद मी। सो काइंड, आई विल बी डिलाइटेड। सो काइंड ऑफ यू। ऑल राइट सर, थैंक यू। बट व्हाई डोंट यू हैव अ ड्रिंक विद अस, मीट माय फैमिली। हेलो बेटा। हाय पापा। हेलो। गुड गेम डार्लिंग? नॉट क्वाइट बेटी। आप हैं बाशु भट्ट, गोल्फ के बहुत बड़े माहिर हैं। अच्छा। और ये है मेरी बीवी अनु। नमस्ते। अनुराधा ढिंढोरिया, मिस जोजे डिंडोरिया। हेलो। ये मास्टर टोको डिंडोरिया। इसकी पूरी फैमिली मौजूद है। नहीं अभी तो छह घर में और मौजूद हैं। हाँ अच्छा।
किस कदर अच्छा गेम खेलते हैं आपके शोहर मिसेस ढिंडोरिया। मक्खन जो जो बिहेव योरसेल्फ नॉटी गर्ल। साहब आपके लिए ट्रंक कॉल है, मैनेजर से रूम में। ठीक है मैं आता हूँ छुट्टी वाले दिन भी। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, एक्सक्यूज मी। श्योर, लुक आफ्टर द लेडी। माय प्लेजर। वैसे आप बिल्कुल इनकी बड़ी बहन लगती हैं। कोई नहीं कहेगा कि आप इनकी माँ हैं। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि ये मेरी माँ नहीं है, मेरी अपनी माँ नहीं है। ओह, but darling we are like sisters aren't we? Oh of course दीदी darling। जो जो, I'm sorry। Excuse me। Sorry दीदी। Hmm. आप सबको मस्का क्यों लगाते हैं? You're a very bright girl. अब मेरी बारी। बेचारा ये रह गया। बड़ा प्यारा कुत्ता है। जो 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 गुड बाय गुड बाय। जो जो नहीं, टोटो। जो जो मैं हूँ। ओ, लेकिन ये बड़ा अजीब नाम है जो जो। मेरा असली नाम है जय जयवंती। भाई ये भी कम अजीब तो नहीं? हाउ कम? जब मैं पैदा हुई तो रेडियो पर रात जय जयवंती बजा था सितार पर। मेरी माँ को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था। तुम्हें है? नहीं, मुझे डिस्को, पॉप और फिल्म म्यूजिक पसंद है। तब तो हिंदी फिल्में अच्छी लगती होंगी। अच्छी तो नहीं लगती पर देख लेती हूँ। भाई बड़ी पेट्रियाटिक लड़की हो तुम। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? गेस। कुमार गौरव। संजय दत्त। कुणाल कपूर। शशि कपूर। ही सो हैंडसम, सो मैच्योर। मुझे मैच्योर लोग पसंद हैं। बेबी। बेबी? आपने मुझे बेबी कहा? ओह, आई एम सॉरी, मिस ढिंडोरिया। माफी चाहते हैं, कुछ ज्यादा ही देर हो गई। नहीं नहीं सर, हमारा वक्त काफी मजे में गुजरा। अच्छा, दैट्स ऑल डार्लिंग, थैंक यू। वेल चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। मिस्टर भट्ट, आप इंग्लैंड में क्या काम करते रहे? मैं सर एक शू कंपनी में था। शू? बिशप शूज, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। मैं खुद अपने शूज इंग्लैंड से मंगवाता हूँ और वो भी बिशप से। यू नो एक्चुअली आई एम इन, माफ कीजिएगा सर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इम्बूटेड चीजों का भूत हमारे सर पर सवार है ना, अब देखिए हमारे मुल्क में क्या क्वालिटी की चीजें नहीं बनती। अब ये देखिए जूते मेरे 100% इंडियन। फुटप्रिंट शूज। फुटप्रिंट शूज। मिस्टर भट्ट। यस सर। आप आजकल कहीं काम कर रहे हैं? ओह नो नो सर, आई एम टेकिंग इट एब्सोल्युटली। अच्छा, क्या इत्तेफाक की बात है भट्ट साहब, कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ कहिए सर। बात दरअसल ये है कि वो एक कम इन। आपको बड़े साहब ने बुलाया है। राइट। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कम कम माय बॉय, सिट डाउन। अच्छा शाम को, बाय। तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है काम सीखने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। यहाँ की और इंग्लैंड की वर्किंग सिस्टम में काफी फर्क है। हाँ थोड़ा बहुत तो है ही, बट डोंट वरी, यू आर ए यंग ब्राइट मैन, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। थैंक यू सर। महादेवन। यस सर। सेंड जोशी इन प्लीज। यस सर। उम्मीद है हमारे फुटप्रिंट शूज आपको रास आएंगे। आई एम श्योर, आई एम श्योर। कम इन जोशी, कम इन, कम सिट डाउन। जोशी जी, ये मिस्टर भट्ट जी। हाँ, इनको तो मैं बहुत। हाउ यू डू मिस्टर जोशी, सच अ प्लेजर मीटिंग यू। मिस्टर भट्ट इसी बिजनेस में थे पहले, मगर यहां नहीं, इंग्लैंड में, और ये हाल ही में इंग्लैंड से वापस आए। दैट्स राइट। और ये है मिस्टर जोशी, ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट डिलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग यंग मैन। रियली? हाउ नाइस, हाउ नाइस। सो जोशी जी सर, मिस्टर भट्ट को अपने ऑपरेशंस, मेथड्स और प्रोसीजर्स के बारे में सब कुछ समझा देना। जी। Let him get the feel of the dealer distribution network. Yeah. One sec. Sorry. Hello? Mr. Kulkarni on the line.
कौन विकी? वन सिक वन सिक. दैट इज ऑल. ओके सर. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. बोलो विकी. अरे यार तुमने वो पोस्ट की बात की थी ना उस दिन. उसके लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट. नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, वो पोस्ट तो आज ही फेल हो गई है. वी आर गोना जैम अ पर्सन. ये इंग्लैंड का क्या चक्कर है? अब ये सब सवाल तुम न पूछो तो ही अच्छा है. क्या तुमने निकलो क्या? नहीं तुम चलो, मेरा थोड़ा काम बाकी है. इस भट साहब भी अंदर है. ये तो कमाल ही हो गए. मैंने नहीं कहा था तुमसे नौकरी आसमान से टपकती है? ये सब कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम यार थोड़े बुद्धू तो हो ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं. तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री तक नहीं है. लेकिन मेरे पास नौकरी है. ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है सब. दिमाग, पर्सनालिटी, नसीब भी, और एमेचर गोल्फ. ये तुम बहुत गलत कर रहे हो बाशु. ऐसा कब तक चलेगा? अरे जब तक चलेगा चलेगा यार. एक दिन तुम बुरी तरह पकड़े जाओगे. उस दिन अलविदा कह देंगे. यहाँ किसको हमेशा रहना है? फुटप्रिंट में परमानेंट? नो वे. चलो मैडम बशी उलते बशीच. देखा आपने, बस खड़ी कहाँ करते? ना बस स्टॉप यहाँ बनाया, बस खड़ी वहां करेंगे. ऐसा क्यों मैं लगी ना, मैं आपसे पहले खड़ा हुआ हूं. एक विशेष सूचना, बॉम्बे अस्पताल में 14 साल के लड़के का इमरजेंसी ऑपरेशन है. ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की सख्त जरूरत है. ओ नेगेटिव रक्तदाता जल्दी से जल्दी बॉम्बे अस्पताल पहुंच जाएं. विशेष सूचना समाप्त. ओ नेगेटिव तो मेरा ग्रुप है. ओ नेगेटिव मेरा ग्रुप है. ओ नेगेटिव मेरा ग्रुप है. मुझे मालूम है ओ नेगेटिव की जरूरत है अस्पताल में. हर एक के पास नहीं होता, बहुत रेयर ग्रुप है. टैक्सी टैक्सी. क्या हो गया भाई? रुको, अरे जाना है टैक्सी खाली नहीं. अरे टैक्सी खाली कैसी है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ओ नेगेटिव हूँ. चलिए जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम है. चलिए चलिए बॉम्बे अस्पताल. बड़ी होकर अपनी माँ की तरह सुंदर बनना. बाप रे बाप. अरे भाव साहब क्या कर रहे हैं आप? लाइए. अरे नहीं नहीं, बहुत क्यों उठा रहे हैं, ज्यादा भारी नहीं. हमारे होते हुए आप उठाएंगे, हमको शर्म नहीं आएगी. अरे देख, हाय हाय हाय, पसीना पसीना हो गए आप. अच्छा तो भाव साहब फिर मैं चलूं? नहीं नहीं, अरे आपको ऐसे जाने दूंगा मैं, देर से. वाह कमाल है, अंदर आइए. नहीं लुफ्त आइए आइए. अच्छा तो फिर चलिए, सामान बैठिए ना, कॉफी बनाना बढ़िया सी. इलायची डालकर साबुदाना वड़े बन रहे हैं. अरे वाह, लेते आना गर्मा गर्म. आप बेकार तकलीफ कर रहे हैं. अरे तकलीफ काहे की इसमें. संध्या ताते के यहां से फ्रिज का पानी लेते आना. अरे नहीं नहीं, सादा पानी भी चलेगा. कमाल है, आपको आती है बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई.
मेरे चाचा वगैरह मुझसे बहुत नाराज हैं। कहते तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, आकर अपनी एस्टेट संभालिए। लीजिए ना। थैंक यू। वो स्टेट के बारे में आप क्या कह रहे थे? अब वो तो इंदौर की रॉयल फैमिली के दीवान थे ना मेरे दादा। हाँ हाँ। उसका आप इंग्लैंड छोड़कर क्यों आए? कहते हैं वहां बहुत अच्छा है। सच बताओ भाव साहब, अपना देश तो फिर अपना देश होता है। वाह वाह। मेरे कई दोस्त वहीं सेटल हो गए, अंग्रेज लड़कियों से शादी वादी भी कर ली, प्रपोजल्स तो मुझे भी बहुत आई। आए होंगे, जरूर आए होंगे। लेकिन मैंने तय किया था शादी करूंगा तो भारतीय स्त्री से, जरा अच्छी सी घरेलू सी लड़की हो, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, बीए वगैरह, देखने में ठीक ठाक हो, चाल चलन अच्छा हो, खाना वाना पका लेती हो। ये साबुदाना वड़े संध्या ने बनाए हैं। वाह मजा आ गया। अरे आप क्यों, घर की बात है। भाव साहब, इंग्लैंड में जो एक चीज मैंने बेहद मिस की, साबुदाना वड़ा, मुझे बहुत पसंद है। राजाराम को भी साबुदाना वड़ा बहुत पसंद है, जब भी यहां बनते हैं उसका हिस्सा जरूर होता है। वाह। अच्छा तो भाव साहब अब मैं चलूं? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बिल्कुल घर की तरह, जरूर आइएगा दोबारा। सुनिए, ये राजाराम के लिए ले जाइए। जी बहुत अच्छा। अरे पगली, समझते नहीं, इनको कह रहे हो? हम भेज देंगे। अच्छा तो मैं चलूं। अच्छा जरूर आना। नमस्ते। ओके दैट्स इट। सिस्टर एक मिनट, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। देयर वी आर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सर कॉफी? इसकी क्या जरूरत थी? बिस्किट। राजाराम जी, राजाराम जी। ओ, आप? साबुदाना वड़े राजाराम जी के लिए। अच्छा, अब मैं सबने, आइए प्लीज कम इन। अच्छी तशरीफ लाइए, घबराइए नहीं, आइए आप यहां बैठ जाइए, बैठिए। मैं काटता नहीं हूं। अच्छा ये बताइए, आप इतनी छुई मुई से क्यों हैं? न बात करती है न कुछ, आपको देखकर तो ऐसा लगता है अब तक आप पिछली सदी में हैं। अरे भाई, इस सदी में उतर आइए। आपने विमेंस लिबरेशन के बारे में नहीं सुना? नहीं? वैसे मैं काफी लिबरेटेड हूं। मतलब बात बात कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप राजाराम जी से पूछ लीजिए। तो आप बात कर लेती हैं राजाराम जी के साथ, और हमारे साथ क्यों नहीं? हमने कोई गुनाह किया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कीजिए ना हमसे बात 1982 की लड़की की तरह। कीजिए कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। ये इतनी सारी चाबियां किस चीज की? वाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये है रिजर्व बैंक के वॉल्ट की चाबी, ये निजाम की तिजोरी की चाबी, ये हेमा मालिनी के ज्वेलरी बॉक्स की चाबी, ये देश सेवा प्रतिष्ठान की चाबी, और ये छोटी सी प्यारी सी, ये है मेरे दिल की चाबी। अरे संध्या, तुम? तुमने आज बड़ी देर कर दी, कहाँ चले गए तू गुलछर्रे उड़ाने? ऐसी जरा, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। क्या है? आपके लिए साबुदाना वड़े भेजे हैं माने। अरे वाह,
यार इसकी क्या जरूरत थी यार, खैर अब ले आए हो तो जरा हाथ चम्मच लो। नहीं नहीं चलेगा। लो। अरे नहीं तुम खाओ यार, मैं तो खा चुका हूं ना गर्मा गर्म। मैं तो गेस्ट ऑफ ऑनर था ना आज शाम इनके घर पर। ओहो कहाँ रख दिया? दादी अम्मा आगे क्या हुआ बताओ ना। आज कहानी नहीं बताऊंगी, कल। आज बताऊ कल नहीं। नहीं 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 आज ही आज। अरे अभी सोने का समय हो गया। अच्छा सुनो सुनो कहानी सुननी है ना? हाँ। तो जाओ पहले सुसु करके आओ। नहीं लगी नहीं। लगी है जाओ। नहीं, नहीं, अरे जाओ नहीं, 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 नहीं तो रात में दो बजे गद्दा खराब करेगा। चल बड़ा ही नटखट है। ये लो तुम्हारा ये रिपोर्ट तैयार कर दिया मैं, फिगर्स वगैरह सब डिटेल में लिख दिया है, अब एक बार तुम इसे पढ़ लो। यार जब तुमने तैयार किया है तो फिर मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे पढ़ लो। अब इसे तो सिर्फ बॉस ही पढ़ेगा। इसे तो मैं बुझा ही दूं। सर वो साउथ जोन की रिपोर्ट जो आपने चाही थी वो तैयार हो गई है। सो सून? वो सर मैंने कल रात को बैठ के काम कर दिया था। वंडरफुल रिमार्केबल रिमार्केबल। थैंक यू सर। Carla, is that drink all right? That's fine. Can I have some ice, please? Oh, yes, sure, sure. Hello. Don't worry, excuse I'll me. Excuse me. Hello. Hi. Hello, hello, how are you? Hello, hello. Hello. How are you? Fine. Very well, thank you. ढूंढने में तकलीफ तो नहीं ना? नहीं, नहीं. नहीं, हम तो आ चुके हैं. Yeah, before. Oh, sir, you yeah. must see some new paintings of mine. Excuse us. Please, excuse okay, okay. Excuse me, sir, वो मखीजास का फोन आया, वो नहीं आ सकेंगे. कोई बात नहीं. हाँ विनोद मैं तुम्हें भट्ट से मिलवाने चाहता था। हाँ हेलो न्यू रिक्रूट। अच्छा वेरी गुड। हेलो वैलरी हाउ आर यू? हेलो जलाल। हाय विनोद। हेलो वेल हाउ आर यू? नाइस टू सी यू जलाल। जलाल दैट वाज अ ग्रेट फिल्म यू मेड फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम इन। भट्ट लुक आउट। हाय हाय विनोद। सो हेलो सेवी। आई जस्ट फिनिश्ड माय फिल्म। हेलो हाउ आर यू? हाय हाय नमस्कार। Hey, how are you? Nice to see you. Yeah. Very well, thank you. Kya ho raha hai? Your drinks. Thank you. My pleasure. Very much. Cheers. Hi, Arabella. Come stai, eh? Bene. Hello, Jojo. Hello. This Hello. is Angelo. This is Jojo. Hello. Thank you very much. She's a Chinese daughter. She's very pretty, no? Auntie? What do you say in Italiano? Molto bella. Ah, molto really? Bella. Beautiful. Hello. Hi. ये हसीन मोहतरमा कौन है? बेबी। मजाल है जो कोई आज आपको बेबी कह जाए। लेकिन ये इतने सारे गहनों की क्या जरूरत थी? आपकी तो आंखें ही काफी है ना? ये मेरी माँ के गहने हैं। देखो। अरे वाह। क्या आपकी माँ भी इतनी खूबसूरत थी? चलो। चलो। ये है मेरी असली माँ। बात ही अफेक्शनेट रही होंगी नहीं? अरे शी वाज अ टेरर। जब वो गुस्से होती थी तो बस पूछो मत, पापा और मैं चुप जाते थे। अच्छा। फिर वो ही कहती थी निकल आओ ज्वालामुखी शांत हो गया। कैसा लगा? वेरी स्ट्राइकिंग। वैसे रिजेम्बलेंस बात है नहीं? वही माथा, वही जॉलाइन, वही आंखें और वही नाक। हाय पापा। हाय डार्लिंग हाउ आर यू? चाया माय लिटिल वन जोजो। नमस्ते।
बच्चा बड़ा हो गया भाई। हो गई है ना? हाँ जी, आप तो उस दिन आई नहीं हो, चार्ली इधर आ गए। हैं जी, वेंसडे को बुलाया है इन्होंने। वेंसडे तारीख कितनी? चार। मैंने कहा आधा वर्ष है। आधी रात गुजर गई, आप कहाँ थे? अजी यहाँ आधी जिंदगी गुजर गई, आप कहाँ थी? कमाल है आप। चलिए आपका खूबसूरत टेरेस तो दिखाइए हमें, इस सालिन दुनिया से कहीं दूर तो चलें। और मेरे गेस्ट का क्या? आप भूल रहे हैं कि मैं होस्टेस हूँ। आप भूल रही हैं कि मैं आपका गेस्ट हूँ। और आप अपने गेस्ट का दिल नहीं रख रही हैं। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ मेरा बॉस किस कदर खुश नसीब है। बड़े ठीक हैं आप। नाराजगी? I'm sorry। लेकिन मैं नहीं बोल रहा, कमबख्त ये बोल रही है। हालांकि मेरे ही दिल की बात बोल रही है। अरे मोटवाली साहब को बिना शक्कर चाय दो, उन्हें डायबिटीज है ना। अरे भाई, मेरी डायबिटीज की पब्लिक अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? शांति। हाँ तो भाइयों और देवियों, मुझे बताने में क्या डॉक्टर, ये से भी किसी औरत को बाहर नहीं कहेगा। और देवियों, सुना देवियों, मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि फिर एक बार हमारी चाल का एनुअल डे, वार्षिक दिन पास आ गया है। इस साल भी ये एनुअल डे हम अपनी ही चाल का ड्रामा पेश करके मनाएंगे। तालियां बजाओ। तालियां तालियां। हमारी चाल की यूनिटी, और सिर्फ यूनिटी ही नहीं बल्कि एकता। अरे यूनिटी और एकता का मतलब एक ही है। मुझे लगता है कि मेरा 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 विचार है कि कोई पुराना म्यूजिकल करके हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा कायम रखे। सांस्कृतिक परंपरा बस हो गई बापू, क्यों ना एक धार्मिक नाटक करें। बस बस बस, रहने दो रहने दो। अब हम जरा मॉडर्न बनते हैं। ये हुई ना बात। हर वक्त की अपनी अपनी एक मांग होती है। आज की मांग कुछ और है, आज के प्रॉब्लम्स कुछ और है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा नाटक होना चाहिए? मेरे हिसाब से जंगली कबूतर, रंगीली रातें, हनीमून। बैठो बैठो, हनीमून अभी हुआ नहीं। मुझे लगता है कि अगर हमें देशपांडे साहब को कॉफी नहीं मिली। अरे पिछले साल बिस्कुट भी थे। लेकिन तब सेक्रेटरी मैं था। लेकिन मुझे लगता है कि अरे बड़ी सुन लो, सुनाइए सुनाइए, जरूर सुनाइए। झांसी की रानी पे कोई नाटक नहीं है क्या? अरे वो कोई नाटक नहीं था चिमकता, फिल्म थी फिल्म। हाँ फिल्म बनी तो आप कहाँ थी? ए, क्यों नहीं अपनी भजनी मंडली का भजन का प्रोग्राम करें? मगर भाभी जी, भजनी मंडल का कार्यक्रम गणपति उत्सव में हुआ था, अब अगले साल। मैं अब अगले साल, अब हमें ऐसा नाटक चाहिए कि जिसमें मनोरंजन हो और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो। क्या बोलता है तात्या? हाँ लेकिन कुछ संदेश होना तो जरूरी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। हाँ तो कोई सजेशंस दीवियो? भाइयों? मैं बताता हूँ, विजय तेंदुलकर का एक नाटक है जिसमें हंसी मजाक भी है और हल्का फुल्का रोमांस भी है, है? और संदेश भी है। पंछी ऐसे आते हैं। कसम से कहता हूं आप सुंदर हैं, मां की कसम, बाप की कसम, खुद आपकी कसम। कसम कहता हूं आप सुंदर हैं, मां की कसम, बाप की कसम। झूठ कहूं तो जीभ कटाऊं, सच कहूं तो लड्डू खाऊं, आपके ब्याह के
आप जरा खुद को देखिए तो सही। ना 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 ना, आईने में नहीं, जरा मुस्कुराकर, खिलखिलाकर, फूल के कुप्पा होकर, फूल के कुप्पा होकर, फूल के कुप्पा होकर, चाहे जीप चिढ़ाकर, आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, लेडी यू लुक वंडरफुल, बिविचिंग, दैट्स द वर्ड, स्वीट लिटिल बर्ड, प्रेम का पंछी, देखा है कभी आपने, चपटी चोंच, बदन धारीदार, धसी आंखें, भूल गया, धसी आंखें, भद्दे पैर, मगर फिर भी सुंदर, मन को मोह लेता है, लुभा लेता है, जानती है क्यों? बोलो, जानती हो? जानती है क्यों? राजाराम, you know, heart is full of love, love of life, love for his mate, प्रेम से भरपूर मन, पिंजरे में भी मस्त नाचता है, गाता है, प्रेम किसी को भी सुंदर बनाता है, आप सुंदर हैं, बेशक सुंदर हैं, प्रेम को मन की गहराइयों में उतरने दीजिए, प्रेम को खुद में समाइए, खुद को प्रेम धारा में बहने दीजिए, हंसिए, गाइए, मुस्कुराइए, लेकिन ऊपरी से नहीं, मन की गहराइयों से, और फिर देखिए कि आप सुंदर है कि नहीं, फिर अगर दो गवाह चाहिए तो ले आइए ना प्यार से, एक इस गाल पर और एक उस गाल पर, उफ। मेम साहब आप बला की सुंदर हैं, तुम सुंदर हो तुम सुंदर हो, तुम चंचल हो। हर सिंगार सी तुम फुहार सी, मधुर प्यार सी, इंद्रधनुष के रंगों सी, मने पवन के पंखों सी, तुम सुंदर हो, तुम कोमल हो, तुम सुंदर हो, नयन झील से, मूत सीप से, नयन झील से, होत सीप से, चांद समा था, तुम सुंदर हो।
हर दिन हो सुंदर हो तुम सुंदर तुम सुंदर तुम सुंदर तुम सुंदर मैं सुंदर तुम सुंदर मैं सुंदर क्या अभी पता चलता है ये क्या लड़की है अंकल अंकल टाइगर देखने चलोगे आज नहीं यार हे बशु बशु ये यहां मत लगाओ क्यों भाई कमरे में तो हम दोनों रहते हैं नहीं नहीं आखिर पेइंग गेस्ट कराते मेरा भी तो कुछ हक है लेकिन बशु ये चाल है यहां बच्चे रहते हैं शरीफ लोग रहते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कहेंगे राजा राम सुधर गया अरे आओ चलो देखो मैं कह रहा था ना चलो राजाराम जी आपसे जरा काम था आइए 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 वहां खिड़की में आइए जी कहिए मुझे सर 40 रुपए चाहिए थे उनके लिए प्रेजेंट लाना है सरप्राइज कल हमारी शादी की एनिवर्सरी है ना एनिवर्सरी हाँ कल एक महीना होगा अच्छा अच्छा अभी दे दो अरे हाँ मुबारक हो हुँ?
माफ कीजिएगा, पैसे तो है नहीं, लगता है खर्च हो गए हैं। मैं सुबह तक कुछ इंतजाम कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं वो दादी अम्मा से ले लूंगी। अच्छा। बाशु? पता चल गया, कसूरवार मैं ही हूं। चोरी मैंने की है मिलॉर्ड, लेकिन गुनाहगार मैं नहीं हूं। यह जालिम समाज है जिसने मुझे मजबूर किया। वासुदेव, बकवास बंद करो। तुमने बिना पूछे मेरे कबड़ में से 300 रुपए क्यों लिए? उधारी तो लिए हैं यार, तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगा। तनख्वाह मिलते ही, चेक आते ही, मनी ऑर्डर आते ही, एक महीने से सुन रहा हूं और बस सुन ही रहा हूं। तुमने कहा था तुम पेइंग गेस्ट होने के 300 रुपए देने वाले हो, वो तो छोड़ो, लेकिन कम से कम मुझसे पैसे लिया तो मत करो, मेरे कबर्ड में से। तो तुमने अपने कबर्ड को लॉक क्यों नहीं किया? मैं अपने कबर्ड को कभी लॉक नहीं करता, मैं ताला संस्कृति के विरुद्ध हूं। मेरा बस चले तो दुनिया के सारे ताले तोड़ के रख दूं। तालों का मतलब है आदमी का आदमी के प्रति अविश्वास। तुम सचमुच भोले राजा हो यार, इस दुनिया में तो रहने लायक ही नहीं हो। आदमी का आदमी के प्रति अविश्वास, इतना ट्रस्टिंग नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम्हारा अपना दोस्त तुम्हें ठग रहा है, दुनिया की तो बात ही छोड़ो। हर आदमी तुम्हारी तरह नहीं होता है, कुछ मेरी तरह भी होते हैं। यार तुम बहुत ही बेशरम हो, मुझे महीने का सारा हिसाब चुकाना है, बिल्स देने हैं, मैं कहां से लाऊंगा? अपने घर से मंगवा लो। आखिर तुम्हारे मां बाप किस लिए हैं यार, उनको एक टेलीग्राम दे दो बस। नहीं, कभी नहीं। अक्का, अन्ना है क्या? टेलीग्राम है। सुनते हो, पोस्टमैन आया है तार लेकर। सब ठीक तो है? राजाराम का तार है, उसे 300 रुपए की जरूरत है। 300? अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई होगी? क्या पता, जरूर कोई बात है, नहीं तो वो इस तरह तार नहीं करता। लेकिन अचानक कहां से पैसे लाएंगे हम भी? तुमको बुला रहे हैं साहब। अच्छा, एक मिनट साहब। विल अप्रिशिएट एंड अली रिप्लाई योर्स फेथफुली एटसेट्रा। मे आई कम इन सर? वन सेक, दैट्स ऑल कमला, सिट डाउन। यस सर। मिस्टर भट्ट नहीं आया आज? जी नहीं सर, नहीं आए। क्यों? पता नहीं सर। जी हाँ, शायद मार्केट रिसर्च के लिए गए। आज हमें मिले पूरा एक महीना हो गया। हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी है, हमें याददाश्त के लिए एक दूसरे को कुछ देना चाहिए। नहीं, नहीं नहीं दादा, ये मैं कैसे ले सकता हूं? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं ले। अब मैं कब तक इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं। फिर तुम पराया धन हो,
रोज निश्चय करता हूं तुम्हें भूल जाऊं। पशु मैं सह नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे क्या हक है तुम्हें इस तरह मिलने का? पशु मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे फौजियों की तरह की खड़े हो, चला पोज हो जाए। तू फौजी यार? एक मिनट एक मिनट। ए मोटे, ए तुम क्या कर रहे हो लड़कियों के बीच में? चल हट निकल। हाँ फर्स्ट क्लास, चलो रेडी। एक दो और तीन। फिर भी एक फर्स्ट क्लास फोटो लेता हूँ मैं। स्माइल। हाँ वन देखो राधा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे ढिंडोरे साहब को सदमा पहुंचे। उन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। हम कौन से एक दूसरे के इश्क में दीवाने हैं? सोसाइटी में एक खूबसूरत बीवी चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की और मैंने भी तो स्टेटस के लिए उन्हें अपनाया। हमारे रिश्ते में प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं है। हे आइसक्रीम हो जाए। वेट फॉर मी। जाओ यार। अरे क्या भागा? ए बंद कर ना। ए क्या खेल रहे हो? कैच। थैंक यू। क्या? कौन? तुम भी सही। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, है ना? सुनिए आ गया राजाराम। अरे भाऊ माई आइए आइए। जरा आइए आइए राजाराम जी। राजाराम जी जी, आप 10 साल से इस चाल में रहते हैं जी, मतलब 10 साल से आप हमें जानते हैं जी। हाँ बोलिए, आपको हमसे कोई शिकायत है? नहीं, किसने कहा आपसे? नहीं तो आपने किसी को हमारी बुराई करते सुना है कभी? क्या कह रहे हैं आप? हमारी संध्या अब 21 की हो गई है। 22 की। उसने बीए भी पास कर लिया है। जी जी हाँ, ये मैं जानता हूँ। खाना पकाना सीना पिरोना सब जानते हैं। जी जी। स्वभाव से नम्र सुशील और आज्ञाकारी है। जी हाँ, देखने में भी ठीक है। सुंदर है। कहने का मतलब ये है राजाराम जी कि जिसके भी घर जाएगी खुशियां भर देगी। क्यों? सीधी बात यह है कि हम संध्या की शादी की सोच रहे हैं। संध्या के बारे में जो जो कहा उससे आप सहमत हैं ना? अरे भाऊ, ये भी कोई पूछने की बात है? संध्या जैसी लड़की तो गुड। तो संध्या पास हो गई ना? भाऊ माही, मैं आप कैसे बताऊं, मतलब मैं खुद कब से हिम्मत नहीं हो रही थी। एक मिनट है। अच्छा तो ये बात पक्की, संध्या की सिफारिश आप करेंगे? सिफारिश बाशु जी से? आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। अरे सवाल ही नहीं। राजाराम जी बस कह दीजिए। हाँ। क्या जोड़ी बनेगी? बड़ा ही नेक लड़का है, कैसी मीठी बातें करता है। पगली खानदानी है। उसके आने से चाल में एक नई जान आ गई है। इंग्लैंड रहकर आया है लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा। जरा भी घमंड नहीं,
परसों ही मुझे गुड मॉर्निंग बोला, कितनी अदब से। हीरा है हीरा, हमारी खुशकिस्मती इस चाल में आया। आपने संध्या से पूछा? संध्या से पूछा? आपको राज की बात बताऊं, ये संध्या की पसंद है, वरना आजकल की लड़कियां क्या हमारी बात मानने लगी? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। अच्छा तो आप बाशु जी से बात छेड़ेंगे ना? अरे शक्कर हो भाई, लो लो। अच्छा चलते हैं। अच्छा क्या हुआ 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 क्या हुआ। अपने ही अंगना में, अपने ही अंगना में छोटी फूल झड़ियां, छोटी फूल झड़ियां। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। शहनाई बाजेगी, शहनाई बाजेगी, सजेगी दुल्हनिया, सजेगी दुल्हनिया। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एक खोली भैया ठहरी सगाई, ढूंढो एक खोली भैया ठहरी सगाई। घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर की ही कन्या है घर का जमाई, घर का जमाई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और मैना की गृहस्थी पसाई, तोता और मैना की गृहस्थी पसाई। सानी सानी धा 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 मरेगा सा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। महादेवन। यस सर। अभी लेटर आया जी आर जेन एंड कंपनी से। गुड सर, लेटर आ गया। वो एक ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल? मिस्टर भट्ट उन्हें पिछले हफ्ते मिलने जाने वाले थे ना, और वो कहते हैं वो आए नहीं। स्ट्रेंज। प्लीज सेंड इन द मोमेंट ही कम्स इन। राइट सर। थैंक यू। यस सर, इट्स ऑल राइट। ये लेटर आया सर, अर्जेंट बोला। Any messages for me? जाओ बस, गुस्सा है, जाओ जल्दी जाओ।
अरे कहाँ थे आप? बॉस 5 बार पूछ चुके हैं। अरे पूछ चुके हैं तो पूछ चुके हैं, इसमें परेशानी क्या है? बाशु क्या है भाई, रिलैक्स यार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करोगे? कहाँ क्या करूँगा, तुम्हारी नौकरी गई है। हाँ अरे अब करोगे क्या? ऐश करेंगे यार, आजाद पंछी हैं। और पहले कौन सा जॉब था? मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन उब गए अलविदा। तुम्हारी तो शादी तय हुई है, मंगनी है 10 तारीख को। यही साली एक झिकझिक है, हिंदुस्तान में किसी लड़की के साथ जरा घूमे नहीं कि गले में शादी का फंदा। बिग ब्लडी न्यूसेंस यार। अरे तो मान क्यों गए फिर, मना कर देना था। सिर्फ मान ही गया हूं ना, मानने में और एक्चुअली शादी करने में बहुत बड़ा फर्क है। क्या मतलब? देखो पशु, पशु देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत दिनों से देखता रहा हूं और सुनता रहा हूं, तुम्हारे झूठेपन की कोई सीमा ही नहीं है। ऑफिस में मैं चुप रहा, तकलीफ ही मुझे, फिर भी मैं चुप रहा, लेकिन अगर संध्या के साथ तुमने कुछ गड़बड़ की ना तो मैं चुपचाप नहीं देखता रहूंगा। खोल ले यार, सिगरेट पी ले यार, पी ले। अरे चलो मोटवानी साहब, कहां शिवाजी पार्क? सभा है सभा। नहीं बाबा, मुझे अपनी बीवी को मदद करनी है खाना बनाने में। खाना बनाने में? हाँ क्यों, वो जो मेरी मदद करती है बर्तन मांजने में। हेलो सैंडी, क्या हो रहा है? लीजिए गरम गरम चकली, अभी अभी कढ़ाई से निकली। वाह वाह सैंडी, ग्रेट, शादी के बाद भी इसी तरह हमारा ख्याल रखना। आज खूब सारी शॉपिंग की। अच्छा? और ये देखो तुम्हारे सूट का कपड़ा है। भाई ये तो कुछ मिडिल क्लास मामला हो गया, जरा मुझे नहीं होती साथ। खैर कोई बात नहीं, वो तुम्हारे मम्मी डैडी कमाएंगे, बाकी चीजें उनके साथ खरीदेंगे। वो तो परसों चौथे रोज आ जाने चाहिए। और रहेंगे कहाँ? ताज। उनका कमरा तो हमेशा ताज में ही बुक होता है। तुम्हारी अंगूठी बनवाने के लिए दे दी, तुमने मेरी तो नहीं दी होगी ना अभी तक? नहीं मौजूद है। देखो अरे बॉक्स का है इसका। अब बॉक्स चाहिए, अंगूठी चाहिए? बहुत सुंदर है। ये तो मैं रख लूंगी, अभी नहीं रस्म के बाद। रस्म के बाद। अच्छा ये खाओ ना, मैंने खुद बनाई। अच्छा खाते हैं भाई, वैसे चकली बहुत जबरदस्त है। वाह मजा आ गया, साथ में चाय भी होती गर्मा गर्म तो मजा आ जाता। मैम साहब अगर चाय का शौक है तो खुद उठकर बनाइए, हमें भी पिलाइए। वह दूध भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है, और हाँ जरा हल्की बनाइएगा, मैं लाइट पीता हूं। कुछ नहीं मांगा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज दे दो, आज दे दो, 100 बरस से जग इन नैनों को नींद का वरदान दे दो, दे दो। मैंने तुमसे कुछ नहीं
खुशबुए फिर वही आहटे बारहा चौंकना फिर वही करवटे वही बाहों के घेरों में बंधना वही नजरों के साए में तपना कब तलक डोर खींचेगी मुझको कब तलक डोर खींचेगी मुझको छोड़ दो मेरा अभिमान दे दो मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा ये भी लगाओगी सुनिए पेड़े कम तो नहीं पड़ेंगे एक एक दो सबको तो पूरे होंगे बच्चों पर नजर रखना बस जरा जल्दी करो मेहमान आते होंगे अरे वाह नजर न लगे क्या महफिल जमी है आइए आइए सुनो ये अंगूठी अरे पुरोहित नहीं आए बस अभी आते ही होंगे ट्रिपल शिफ्ट है ना उनकी अरे हंसने की बात नहीं है बड़े मुश्किल से पटाया है उनको 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर आजकल तो बस हर एक आइए आइए अरे लड़का कहाँ है बस अभी आता ही होगा सूट लेने गया है अच्छा अच्छा काज करने बाकी थे ये टेलर भी ऐसे ही होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ बाकी ही रखते बैठिए बैठिए आओ आओ राधा भाई क्यों भाव आखिर संध्या की लॉटरी लगी गई ना किस्मत वाली है लेकिन आपके समझी नहीं आए बड़ी अजीब बात है बिजनेस छोड़कर वो नहीं आ पाए अगले हफ्ते हम सब जा रहे हैं इंदौर अच्छा हवाई जहाज से अच्छा टिकट भेज रहे हैं वो लेकिन लड़के की तरफ से कोई रिश्तेदार नहीं आया हमने भी उन्हें यही पूछा तो बोले सारी चाल जो है क्या बात है मतलब यानी हम सब लोग लड़के की तरफ से हैं वाह वाह पुरोहित जी आ गए चलो 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 जल्दी करो लड़के को बुलाओ यहाँ की मंगनी करवा के हमको आगे जाना है शादी करवाने के लिए अब बुलाओ लड़के को जल्दी से भेजो ना विनायक तुम ही जाओ बेटे जल्दी जाओ राजाराम आ गया राजाराम आ गया राजाराम अरे राजाराम सुनो सीधे इधर आओ हमें अभी कपड़े बदल के आते हैं जल्दी आओ दोस्त ये किस्सा यहीं खत्म अब और अपने बस का नहीं सितारों से आगे जहां और भी है सैंडी को प्यार क्यूट लड़की है बाशु दोस्त ये किस्सा यहीं खत्म अब और अपने बस का नहीं सितारों से आगे जहां और भी है सदगुरु टेलर के पास गया ही नहीं क्या कहता है सूट वूट तो सिलाने को दिया ही नहीं मतलब और भाऊ वो तो लाल सूटकेस लेके कब के चले गए हाँ
सविता ने देखा। हाँ? क्या कहते हो? राजाराम, राजाराम, ओ राजाराम, तुम्हें कुछ पता है कहाँ है बाशु? भागेगा कहां सगाई छोड़ के? मेरी बिरादरी बैठी है, मेरी नाक कटवाएगा। भाऊ को धोखा देने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। मेरी लड़की सड़क पर नहीं पड़ी, लाखों में एक है, लाखों में। जेल भेज दूंगा। अरे यहां शरीफ लोग रहते हैं, भागकर जाएगा कहां? ये भाऊ उसे जहन्नुम से ढूंढ निकालेगा। अरे छोड़ूंगा नहीं भड़वे को। अरे इस भाऊ का गुस्सा उसने देखा नहीं अभी तक। समझता क्या है अपने आप को? लेकिन माँ पेड़ा तो मिला ही नहीं। चुप कर गई शैतान कहीं को। इंदौर जा रहे थे प्लेन में, हवाई जहाज तो उड़ ही गया। अब मेरी बिटिया का क्या होगा? कैसे मुंह दिखाऊं लोगों को? ये क्या हो गया? अब उससे कौन शादी करेगा? मैं करूंगा भाऊ, संध्या से मैं शादी करूंगा, अगर आप सबको मंजूर हो तो। राजाराम, मैं शुरू से ही कह रही थी तुम्हारे जैसा नेक लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राजाराम, तुम संध्या से शादी करने को तैयार हो? मतलब ये सब? हमें मंजूर है तो ये पक्का। लेकिन पहले मैं संध्या से बात करना चाहता हूं। राजाराम जी, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए तुम्हारी राय जानना चाहा। ये मत समझना कि मैं सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूं। फायदा? ठुकराए हुए को स्वीकार करने से क्या फायदा हो सकता है? मैं कब से आपको देख रही हूं राजाराम जी, किसी की मदद करने का आप एक भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे उसमें आपको खुद कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। इतनी अच्छाई भी किस काम की? मैं नहीं चाहती कि मेरी गृहस्थी किसी के त्याग पर खड़ी हो। त्याग पर नहीं, प्रेम पर। मैं तुमसे प्रेम करता हूं संध्या। ये झूठ है। प्रेम होता तो आप पहले कभी जाहिर करते। प्रेम होता तो आप किसी और को मुझे यूं छीनने न देते। आप इस तरह खामोश खड़े देखते न रहते। संध्या, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन तुम सुनने को राजी नहीं थी। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा राजाराम जी ही रहा। काश ये बात आपने पहले कही होती, शायद ये सब कुछ ना होता। शायद मैं भी आपको और निगाहों से देखने लगती। अभी भी देर नहीं हुई है संध्या।
अब देर हो चुकी है। कैसे? मैं अब आपके लायक। मतलब कि तुम, मतलब तुम और बाशु? हाँ। यानी कि तुम क्या, तुम अब? नहीं, पता नहीं, शायद मेरा इरादा बदला नहीं है। संध्या, राजाराम जी, गोपाल भैया, डॉक्टर, चाचा जी, चाची जी, दादिया, मो चुमा का भगवती सरला बहन सगाई है। आइए आइए जल्दी। हाँ, अरे वापस आओ भाई, सगाई है सगाई। अब मंगनी राजाराम से है। अच्छा अच्छा, हाँ, हीरो बदल गया। मगर मगर मैं पूछता हूँ, वो हरामजादा गया कहाँ? स्वस्ते श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिनं ग्रामो रणसंस्थितो गणपते कुर्यात् सदा मंगलं शुभम्। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीबले गुरुम स्वामी रोने की क्या बात है? इस कमरे से उस कमरे में जाएगी। हे, तो जीत कछुए की हो गई आखिर? हाँ बेटा, जीत कछुए की हो गई। ये भी क्या जीत। दादी अम्मा, दूध चाहिए था थोड़ा। दूध? हाँ। अभी अभी बेटा मैंने दही जमा दिया है, थोड़ी दही बची है, दूं? नहीं, दही नहीं। बैठो ना। हाथ छोड़ो। नहीं, पहले हाथ छोड़ो। क्या हो गया? तू क्या हो गया? ओफो, बैठा नहीं। देख लेगा। तो क्या हो गया? हमारी शादी हुई है। तो बहुत ही घबराते नहीं, मुझे नहीं, कुछ नहीं होता।